अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों जैसा कि आपको मैंने पहले एक बार एक वीडियो में दिखाया था कि हमने इसमें सेंटर लॉकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था कि एक लॉक को ऊपर करें तो सारे लॉक ऊपर और अगर नीचे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, यानी लॉकिंग लॉक अनलॉक सेंटर लॉक सिस्टम। एक ही मेन इसका हेडक्वार्टर होता है जो कि मेन आपके ड्राइविंग साइड पे होता है और बाकी को ये मैनेज कर रहा होता है। आज उसके साथ हम इंस्टॉल करेंगे सिक्योरिटी सिस्टम और मैं आपको दिखाता हूँ सिखाता हूँ कि सिक्योरिटी सिस्टम कैसे इंस्टॉल होता है। उसके लिए आप जाएंगे मेरे चैनल के सर्च में कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर पे जाके आप लिखेंगे हाउ टू इंस्टॉल टू कार सेंटर लॉकिंग सिस्टम, तो वो वीडियो आपके सामने आ जाएगी और वो देख के तो उससे आगे जब आपको अगर करना होगा तो ये वीडियो उसमें आपको मदद देगी। तो जी इसको करते हैं ज़रा अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास और किस तरह से ये काम करता है, क्या क्या चीज़ आती है इसमें। ये इसमें हमारे पास मौजूद हैं जी दो रिमोट, एक इसका सायरन का हॉर्न और ये आ गया इसका सेंसर और ये आ गई मेन डिवाइस, ये वायरिंग और ये वो रिले कि अगर ये रिले भी अगर इंस्टॉल करनी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। इसका भी तरीका मैंने पिछली वीडियो में एक में आपको दिखाया था और आज भी आपको दोबारा बता दूंगा कि ये आप किस तरह से लगा सकते हैं। इसमें आपके पास एक रिले है, उसका ग्रिप है, एक सिंगल स्विच है और ये एक डोर स्विच भी मौजूद है। ये इसकी मेन डिवाइस है, इनको मैं सीधा करता हूँ करके फिर आपको ज़रा समझाता हूँ कि इसके कनेक्शन किस तरह से होते हैं। ये डिवाइस के साथ ग्रिप मैंने लगा दिए, एक इसका मेन बड़ा ग्रिप होता है उसके साथ एक छोटा और दो उससे छोटे। इसमें एक ग्रिप आ गया एलईडी का और एक सेंसर का कि जब कोई गाड़ी को छेड़ता है हाथ लगाता है तो ये सेंसर इस सिक्योरिटी सिस्टम को बताता है कि ये मसला हो रहा है और वो सायरन को ऑन कर देता है। अगर कनेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे एक रेड कलर की मोटी वायर है, इसको हम बैटरी का करंट लगाएंगे और उसके साथ है जी ब्लैक कलर की, इसको हम नेगेटिव करंट बॉडी के साथ लगा देंगे और ये जो येलो कलर की वायर है ये कट ऑफ वायर होती है, यानी कि आप अगर गाड़ी का ऑफ स्विच जूँ ही ऑन होता है तो ये सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है ये सिक्योरिटी डिवाइस कि गाड़ी को अभी स्टार्ट नहीं होने देना जब तक आप अनलॉक ना करो। अनलॉक करोगे तो इसमें नेगेटिव करंट जो कि ये वाली आपकी ये रिले, इसमें ये जो येलो कलर की वायर है ये इसके थ्रू इसको काम करवाती है, इसको बताती है कि आगे आपने अलाउ करना है स्टार्टिंग का करंट या नहीं अलाउ करना। ये होगी येलो कलर वाली, ये वायर होगी। उसके बाद ये जो ये वायर है ब्राउन कलर की, ये इंडिकेटर के साथ, यहाँ से तो सिंगल जा रही है लेकिन ये आगे जाके हो जाती है डबल, इसको आप इंडिकेटर की जो वायर्स होंगी उसके साथ लगा देंगे। फिर अब एक और वायर है जी ब्लू कलर की, ये आपके सेंटर का जो आपका डोर का स्विच है ये उस डोर के स्विच के साथ जो कि ये लगा हुआ है मेहरान का, हर गाड़ी का तकरीबन इसी एरिया में मौजूद होता है, तो ये वाला ये इस वायर के साथ आगे, ये जो ब्लू वायर है, ब्लू वायर इस बड़े ग्रिप की वायरिंग में आपको बता रहा हूँ इसकी। और उसमें आपका एक ऑरेंज कलर की जो वायर है ये आपकी लग जाएगी ब्रेक स्विच के साथ, जो ही आप ब्रेक स्विच ब्रेक दबाते तो ये चारों लॉक हो जाते हैं और इसके साथ की जो ये है ये लगेगी आपके ऑफ स्विच के साथ कि जब आप ऑफ स्विच बंद करते हैं तो एकदम से लॉक ओपन हो जाते हैं, तो वो ये वायर इसको फंक्शन करवा रही होती है। और ये पिंक कलर की जो वायर है ये जाएगी आपकी सायरन के लिए वायर, आप सायरन इसके साथ लगा देंगे। अब आ जाते हैं दूसरी तरफ, ये सिर्फ सेंटर लॉकिंग का जो भी लॉक ऑन लॉक आपके लॉक्स हो रहे उसमें ये काम करती है। अच्छा, इसकी जो दो वायर्स हैं येलो कलर की, इसको आपने लगा देना है बॉडी वाले जो नेगेटिव करंट है उसके साथ,
दो वायरें उसके साथ आपकी लग जाएंगी, और दो वायर्स हैं ये आप इस तरह एक्स्ट्रा इसको छोड़ देंगे, या आपने कहीं भी नहीं लगानी, और जो दो वायर बच जाएंगी वो आपके जाके सिक्योरिटी सिस्टम का जो ये वाली, ये आपका सिक्योरिटी सिस्टम की वो लगी है डिवाइस छोटी वाली, उसकी दो जो वायर रह जाती हैं उनके साथ जोड़ेंगे, वो मैं आपको अभी चेक करवाऊँगा कौन सी वाली है। अच्छा ये आप समझ गए हैं सारा, तो अभी आप मैं करता हूँ ज़रा फिटिंग, और फिटिंग करके आपको दिखाऊंगा कि किधर किधर मैंने वायर्स किस तरह लगाई हैं। अच्छा जी ये जो ग्रिप ऊपर जा रहा है मीटर की तरफ, इसमें हमें मिल जाता है यहाँ पे नेगेटिव करंट भी, और इसी में हमें मिल जाता है पॉजिटिव करंट। तो अभी टेस्टर को लगाते हैं पहले बॉडी के साथ, और यहाँ पर चेक करते हैं तो ये पॉजिटिव करंट मौजूद है। अभी इस पॉजिटिव पे लगाते हैं टेस्टर को, और यहाँ पे चेक करते हैं तो नेगेटिव करंट भी मौजूद है। इन दो वायर्स को जो मोटी वायर्स हैं रेड कलर की, इसको लगा दिया है मेन बैटरी के करंट के साथ, और जो दूसरी वायर है इसको लगा दिया जी हमने नेगेटिव करंट के साथ। जी दोस्तों कनेक्शन तकरीबन हो गए हमारे कम्प्लीट, और ये डिवाइस के साथ मैंने आपको बताया है कि मेन जो बड़ा ग्रिप है ये उसके कनेक्शन में पहले आपको बताता हूँ। उसमें जो मेन रेड वायर थी उसको हमने बैटरी का पॉजिटिव लगा दिया यहाँ पे, और जो ब्लैक वायर थी उसको लगा दिया हमने नेगेटिव करंट, और ये जो एक ब्राउन कलर की यहाँ से सिंगल वायर है आगे से ये दो हो जाती है, तो ये दो इंडिकेटर की जो वायर्स हैं, एक मेहरान में तकरीबन सुजुकी की गाड़ियों में तकरीबन यही कलर हैं, आजकल नहीं है उनमें तो अलग से, लेकिन ये जो पुराने मॉडल की जितनी भी खैबर होगी एफएक्स मेहरान कैरी डबा इन सारों में ये ग्रीन कलर की वायर होती है, और इसमें ब्लैक कलर की धारी होती है, और दूसरी जो ग्रीन कलर की वायर और उसमें रेड कलर की धारी ये होती हैं आपकी इंडिकेटर्स की, और ये हमने इसको इंडिकेटर्स लगा दिया। ये बीच में इसके डायोड लगा होता है, डायोड की क्या करता है कि यहाँ से ये इसको आउट करंट तो देता है कि आउट करंट यहाँ से इसमें जाता है, इंडिकेटर आपके जलते हैं वो काम तो है, लेकिन ये बैक करंट जब आप इंडिकेटर को यहाँ समरी से या ऊपर से डबल इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ वाला जो करंट है ये बैक वापस डिवाइस में नहीं जाएगा। अगर ये डिवाइस में जाए तो मे भी इससे कोई ख़तरा हो सकता है, कोई चीज़ जल सकती है, ख़राब हो सकता है ये, लेकिन ये सिर्फ आउटपुट की इजाज़त देता है, जाने जाने की इजाज़त देता है, वापसी का टिकट कोई नहीं। अच्छा अब दूसरी आ गई वायर जो हमारे पास वाइट कलर की, ये भी इस बड़े ग्रिप से आती है वाइट कलर की, इसको हमने एसीसी का करंट दे दिया, यानी कि हाफ स्विच का, जो आप चाबी का पहला स्विच ऑन करते हैं, इसमें भी आप ये देखें इसके ऊपर लिखा हुआ है एसीसी यानी फर्स्ट पॉइंट। ये जो ग्रिप यहाँ से ऊपर जाके तो यहाँ पे टेप आपकी टेप के साथ लगता है, और यूएसबी पोर्ट के साथ यहाँ बैक साइड से वाइट कलर की वायर होती है और उसमें ब्लैक धारी होती है, ये वो होती है, उसके साथ हमने लगा दिया। अब ये काम इस तरह करेगा, जब भी आप इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये उस टाइम क्या करेगा कि एक तो डिवाइस को ऑन कर देगा, उसके बाद जब आप ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक के साथ ये चारों लॉक, जब गाड़ी स्टार्ट हो तो आप कहीं जा रहे हैं जूँ ही आप ब्रेक दबाएंगे तो ये चारों लॉक हो जाएंगे, और जब आप जब तक चलाते रहेंगे लॉक रहेंगे, और जब आप वापस आके गाड़ी को बंद करेंगे जूँ ही हाफ स्विच भी बंद करके चाबी को फुल बंद करेंगे तो ये लॉक फौरन खुल जाते हैं, ये उस टाइम काम करता है। और ये आ गई ऑरेंज वायर, ऑरेंज वायर को यहाँ से हम ले के गए, और तो और ये ऊपर लगा ब्रेक स्विच, ब्रेक स्विच के साथ दो वायर्स होती हैं, एक वायर जो इसमें करंट आता है फ्यूज़ से वो, और दूसरा जब आप ब्रेक को पुश करते हैं नीचे की तरफ ऐसे तो ये स्विच नीचे की तरफ से यहाँ एक आउटपुट देता है, ये उसके साथ हमने लगा दी ऑरेंज कलर की वायर। ब्रेक स्विच का करंट इसको वहाँ से दे दिया, ये जो आप किया है पिंक कलर की ये आपके सायरन के साथ लगेगी, इसको हम ले जाएंगे बाहर की तरफ, और ये हो गया इधर से कंप्लीट। और ये जो सेंटर लॉकिंग की जो दो वायर्स थी ये देखें येलो कलर की, ये येलो कलर की जो वायर है ये हमने लगा दी है नेगेटिव करंट, जो कि यहाँ हमने बॉडी के साथ से जो करंट आ रहा है नेगेटिव उसके साथ से जो मेन में जा रहा था उसी के साथ इनको लगा दिया। अब जब आप लॉक अनलॉक करेंगे तो ये जो दो
वाइट और दूसरी भी वाइट है, उसमें ब्लैक धारी वाली लंबी वायर्स हैं, छोटे ग्रिप से निकलती हैं। बड़े वाले का जो वाइट है उसको तो आपने लगा दिया एसीसी के साथ, जो छोटा ग्रिप है ये सिर्फ सेंटर लॉकिंग का, इसके साथ से आपने निकाल लिए, दो वायर्स आ गई हैं इनमें। अच्छा, और इसमें ऑलरेडी सेंटर लॉकिंग सिस्टम लगा हुआ था, ये कि एक इसको हम ऊपर करते हैं तो ये सारे नीचे, और ऊपर करते हैं तो ऊपर, इसी तरह से ये नीचे ये ऊपर हो रहा था, ऑलरेडी लगाया था, उसकी वीडियो चैनल पे मौजूद है। अब ये इसके साथ से दो वायरें उस टाइम बच गई थी, ये सिक्योरिटी सिस्टम की वो डिवाइस है, इसके साथ से दो तारें बच गई थी। अब ये क्या होता है कि इसको जब नेगेटिव करंट यहाँ से मिलता है तो ये कर देता है इसको लॉक, उस तरफ से देखते हैं, और दूसरी वायर को करेंगे तो अनलॉक, ये लॉक लॉक और ये अनलॉक, ये दो वायर्स को जब नेगेटिव करंट यहाँ पे पड़ता है तो ये हो जाती हैं लॉक और अनलॉक। और ये जो दो वायर्स इस डिवाइस से ये वाली बच गई हैं, इनको हम लगा देंगे, जोड़ देंगे इसके साथ, ये मैं जोड़ता हूँ, टेपिंग शेपिंग करता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको। ये जी वो वाली दो वायर्स जो सिक्योरिटी की छोटे वाले ग्रिप से रह गई थी, उनको आके लगा दिया इस कटआउट के साथ, जो कि डिवाइस है सेंट्रल लॉकिंग की। और अब हम ज़रा चेक करते हैं कि ये लॉक अनलॉक होगी कि नहीं। अब करते हैं जी अनलॉक, और हो गया अनलॉक, और ये करते हैं जी लॉक, और नहीं यहाँ से होगा इस तरफ से, ये अनलॉक ऑलरेडी है, और ये करते हैं लॉक तो लॉक हो गया, और ये किया अनलॉक तो अनलॉक हो गया। इसका मतलब है ये अभी रिमोट वगैरह हमारी हर चीज़ सही काम कर रही है। इंडिकेटर का भी चेक करते हैं कि इंडिकेटर्स भी ऑन हो रहे हैं, लॉक पर भी ऑन हो रहे हैं, ये सही काम कर रहा है। अब इसके छोटे जो ग्रिप थे उनमें एक में हमने लगा दिया एलईडी, और एलईडी कहाँ है जी इसकी, ये एलईडी, ये आप देखें कि एलईडी अभी काम कर रही है। इसका ये होता है कि जब आपका आपकी गाड़ी अनलॉक होती है, ये अनलॉक है तो ये उस टाइम नहीं जलेगी, जो ही आप इसको लॉक कर देंगे, ये किया लॉक और इधर से ये लाइट भी ऑन होगी, ये आपको ये इंडिकेट कर रही होती है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम इस टाइम अलर्ट है। तो ये जब तक आप इसको लॉक रखेंगे गाड़ी को, ये जलती रहेगी, और आप दूर से देख के पता कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी इस टाइम लॉक है, और जब आप इसको कर देंगे जी अनलॉक, और ये हो जाएगी बंद, ये हो गया। अब एक और चीज़ इसके साथ आखिरी जो हमने अटैच की है वो है जी इसका सेंसर, ये मियाँ सेंसर साहब है, इसको जो ही हाथ लगाया तो ये इसकी रेड लाइट की लाइट आ गई है, और ये भी इंडिकेट करती है इस बात को कि ये देखें अभी हमारी गाड़ी हो गई है लॉक, और लॉक के बाद जब भी इसको कोई यूँ हाथ लगाएगा तो ये एकदम से डबल इंडिकेटर हमारे ऑन हो गए, इसका मतलब है ये सही काम कर रहा है। और जब हम इसके ये वाली वायर सायरन के साथ लगा देंगे तो इस टाइम वो सायरन हूटर वो बजना शुरू हो जाएगा। ये हो गया सारा कुछ कंप्लीट। अब इसको अच्छी तरह से करते हैं टेपिंग, टेपिंग करके इसको वापस कर देंगे ऊपर पीछे की तरफ अच्छी तरह से, और इस वायर को ले जाएंगे बाहर और वहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे सायरन। जी दोस्तों, यहाँ पे गंद बना हुआ था, सिक्योरिटी सिस्टम हमने इंस्टॉल कर दिया और उसको हमने छुपा दिया है ऊपर की तरफ, ये देखें कि ऊपर हमने इन क्लिपों में सिक्योरिटी सिस्टम को अंदर की तरफ लगा दिया, और उसके साथ हमने लगा दिया जी सेंसर, और यहाँ से वायर आई है ऊपर तो यहाँ पे लगा दिया हमने एलईडी, और इसकी ब्लू कलर की जो वायर थी वो हमने लगा दिया यहाँ पर आगे इस ग्रिप में, ये ग्रिप से ये वाली वायर आके तो लग जाती है यहाँ के स्विच के साथ। अभी ये काम करेगा, लॉक हो गया और अनलॉक लॉक अनलॉक, ये कर रहा है सही काम। बाहर फिटिंग करते हैं ज़रा सायरन की, और फिर सारा एक बार इसको चेक करेंगे।
ये जी पिंक कलर की वायर आ गई है बाहर और सायरन को इंस्टॉल कर दिया, इसकी ब्लैक वायर को इस बुल्ट इसको कर दिया अनलॉक और ये इसने सायरन को भी कर दिया ऑफ। और जैसा कि देखा आपने सिक्योरिटी सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल करना है, बड़ी इजी इंस्टॉलमेंट होती है और मैंने उसको बिल्कुल इजी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया एक एक चीज़। अब आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। सेंटर लॉकिंग की वीडियो पहले भी चैनल पर मौजूद है, वो भी अगर आप देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं, हाउ टू इंस्टॉल अ सेंटर लॉकिंग इन सुजुकी मेहरान, तो वीडियो आ जाएगी आपके सामने। कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर चैनल आपका अपना, सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।